1, 2, 1, 2, 3. You call me Pepsi. You ready? Set day. वेलकम टू श्वेता व्लॉग्स। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारे ओल्ड अनयूज्ड क्लॉथ्स होते हैं, जो थोड़ा फटा होता है या बहुत यूज़ करके आप उसे फेंकना चाहते हैं या डोनेट करना चाहते हैं, वैसे क्लॉथ को कैसे हम यूजफुल रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे जो एक नाइट पैंट है उसका मैं हेड बैंड बनाने वाली हूँ। और यूजुअली हम डोनेट करेंगे तो अच्छा कंडीशन में हो तो हम डोनेट कर सकते हैं, पर एक एक बार ऐसा होता है तो फट जाता है या बहुत पुराना लगता है तो उसको हम डोनेट भी नहीं कर सकते, यूजुअली पोचा बना देते हैं। तो इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम उसको रिसाइकल करके जो पार्ट अच्छा होता है, पटा नहीं होता है, तो उसको हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम डूइंग हियर फ्यू हेड बैंड्स और एक पाउच। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे या क्या क्या इससे बन सकता है। सो दिस इज़ हाउ आई एम कटिंग द पैंट पीस इनटू स्ट्रेट पीस, जो हमें चाहिए उतना आप कट कर सकते हो। तो इसको बहुत स्लोली आपको कट करना है क्योंकि इट शुड बी इन प्रॉपर साइज एंड इट शुड बी इन प्रॉपर लेंथ एंड ब्रेथ एंड स्ट्रेट। तो आपको ये सब एक ध्यान में रख के आपको इसको काटना है। तो यूजुअली जो होता है टी शर्ट या नाइट पैंट वो एक्चुअली एलास्टिन से बना होता है, तो कॉटन एलास्टिन होता है, तो इट विल बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड वो एक्सपैंड भी होता है। सो इट इज़ वेरी इजी टू मेक हेड पैंट्स ओवर दैट क्लॉथ। तो मैं यहाँ पे इतना मैंने लिया है, आपको अपने हेड का साइज़ जो है उसको मेजर करके थोड़ा लेस उससे देखना पड़ेगा। तो यू कैन जस्ट होल्ड अराउंड योर हेड एंड आपको देखना पड़ेगा कि कितना, क्योंकि सबके जो सिर होता है वो डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे मैं ये जो इलास्टिक है मेरा पैंट का, तो मैंने वो भी रीयूज करना चाहा है एंड आई एम जस्ट कटिंग द एक्स्ट्रा क्लॉथ विच इज़ देयर हनीवन क्लॉथ। तो जो ये बेल्ट की तरह है आपका जो होता है इलास्टिक, तो आपको आप ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं हेडबैंड बनाने के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इजी क्योंकि ऑलरेडी तो इलास्टिक जो होता है वो रेडी होता है, सिर्फ आपको अच्छे से उसे कट करके जो एक्स्ट्रा क्लॉथ उससे अटैच होता है तो उसको निकालना है लाइक दिस। सो इट लुक्स लाइक ए बैंड नाउ। तो इसको भी मैंने आधा आधा किया हुआ है अकॉर्डिंग टू माय हेड। सो ये स्ट्रिच होता है आराम से, तो यू हैव टू जस्ट सी बिकॉज अगर ज़्यादा ले लिया तो आपके हेड से निकल आएगा क्योंकि इट विल बी लूज। अगर टाइट लिया तो इट विल लाइक योर हेड माइट गेट हर्ट। सो अकॉर्डिंग टू योर हेड यू हैव टू मेजर एंड टेक लिटल लेस ऑफ दैट मेजरमेंट। तो मैं यहाँ पे इसको जो एडजस्ट होता है इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। तो एक बार आप ऐसे स्टिच करोगे तो यू कैन जस्ट मेक ए बिग बो लाइक दिस और उसको इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। सो नाउ आई हैव मेड ए मिनी माउस हेड बैंड। सो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है, इवन जो बड़े होते हैं वो भी वेयर कर सकते हैं एंड इट गोज विथ एवरी अदर आउटफिट। तो बहुत ही सुंदर लगता है एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड एक्सपेंडेबल। सो आप ये यूज कर सकते हो एंड अगेन आई एम टेकिंग द अदर पार्ट ऑफ द थिंग और इसमें मैं अभी ऐड करने वाली हूँ जो अभी एडजस है उसको मैं ऐड करने वाली हूँ, उसको मैं एक तरफ लेके आई एम गोइंग टू स्टिच इट टुगेदर। अगेन आपके हेड का जो मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ता है एंड जस्ट मेजर इट प्रॉपरली और इसको आप स्टिच कर दो एट द एंड्स।
तो एक बार आप एडजस्ट को स्टिच कर लेंगे तो एक एक बैंड की तरह बन जाएगा। एंड इसके ऊपर आप डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बो बना के रखा है छोटा वाला, एंड उसके साथ मैंने एक और थोड़ा सा छोटा वाला बो बना के रखा हुआ है। सो इन दोनों को आप एक के ऊपर एक ऐसे रख के यू कैन मेक ए बिग बो आउट ऑफ इट एंड यू कैन जस्ट ऐड टुगेदर। सो इसको हम थोड़ा अभी स्टिच कर लेते हैं या उसको बांध लेते हैं क्योंकि इट हैज़ टू बी टुगेदर। तो इसे मैं ऐसे उसको एक के ऊपर एक रख के आई एम जस्ट बाइंडिंग इट। जब वो तैयार हो जाएगा तो आप इसको जो जहाँ पे हमने स्टिच किया हुआ है उसके ऊपर इसे रख के वी कैन स्टिच इट टुगेदर। आप गमिंग भी कर सकते हो, बट स्टिचिंग से क्या होता है कि ये बार बार नहीं आ जाता हाथ में और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो यूजुअली आई ट्राई टू स्टिच इट बाय हैंड। तो ऐसे स्टिच करके हम उसे उसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं। एक बार आप स्टिच कर देंगे तो ये इट विल लुक लाइक दिस और ये बहुत ही फर्म भी हो चुका है क्योंकि वी हैव स्टिच्ड इट। तो इसे थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये सैटिन रिबन्स में मैं अभी फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। तो जो सैटिन रिबन होता है उसके एज से आप इसको ऐसे एक फ्रिल की तरह एक के बाद एक आप उसको डालते जाइए इसे। सो इट विल बिकम ए फ्लावर व्हेन यू पुल इट टुगेदर। तो फ्रिल्स की तरह एक के बाद अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो आफ्टर ऑलमोस्ट मे बी हाफ मीटर और सो आपको कितने बड़ा फूल चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हो। यू कैन मेक इट आउट। सो ये बन गया हमारा फूल एंड यू हैव टू जस्ट स्टिच इट टुगेदर। एक एज और दूसरे एज को आप अटैच कर देंगे तो ये फ्लावर बन जाएगा ऐसा। तो मैंने यहाँ पे डार्क और लाइट ब्लू का फ्लावर्स बना के रखा है एंड आई एम जस्ट अटैचिंग इट टू द बोस। उसके ऊपर मैं इसको भी स्टिच करने वाली हूँ। आप गम भी कर सकते हो बट इट इज़ ड्यूरेबल इफ़ यू स्टिच। तो मैं इसको बीच में रख के आई एम जस्ट स्टिचिंग इट तो टुगेदर।
तीनों को स्टिच करने के बाद इसको आप टाइट से उसको स्टिच कर देना सो दैट इट शुड नॉट कम आउट। सो इसके बाद आप देख सकते हो कि जो हमने फ्लावर इस पे लगाया है सो इट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट गिव्स अ वेरी गुड लुक टू द हेड बैंड एंड किड्स विल लव दिस बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर देम। मेरी बेटी तो बहुत ही लाइक करती है जैसे सैटिन हुआ, तो इट लुक्स वेरी वाइब्रेंट। तो इसको ऐसा मैंने अभी स्टिच कर दिया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बिट मोर एड ऑन्स में अभी इसमें डालने वाली हूँ। आई विल टेक सम बीट्स, तो जो ये बीट होते हैं पर्ल्स होते हैं इट गिव्स इवन रिचर लुक फॉर द हेडबैंड। तो मैं इसको लेके जो हमने फूल बनाया है उसके बीच में मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। फाइनली मैंने एक के बाद एक इसके अंदर जो बीच में जगह बचा है आप देख सकते हैं खुला है, तो उसके अंदर मैं इस पर्ल को स्टिच कर रही हूँ। सो दिस विल लुक लाइक पोलन्स इन द फ्लावर्स, सो इट लुक्स रियली रियली क्यूट और बच्चों को भी पर्ल्स बहुत ही पसंद होते हैं, तो इट लुक्स मोर रिचर और वाइब्रेंट भी लगता है। तो आई एम पुटिंग दिस पर्ल्स इन टू दिस। सो फाइनली हमारा जो हेडबैंड है बो के साथ, सो दिस इज विथ फ्लावर्स एंड पर्ल्स, सो इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल और पहने में भी ये बहुत ही अच्छा दिखेगा एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेचेबल एंड ड्यूरेबल और आपका जो वेस्ट कपड़ा था वो इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल नाउ। सो ये है हेडबैंड जो मैंने स्टिच करके रखा है। सो दिस इज़ लाइक हेडबैंड फॉर एल्डरली पीपल जो मेरे जैसे हैं उनके लिए ये सिंपल सा एक हेडबैंड है। इट इज़ यूनिसेक्शुअल, बोथ कैन वेयर मैन एंड वुमेन, तो ये भी बहुत ही अच्छा बना है एंड एक मैंने पाउच भी बनाया है ऐसा। सो यू कैन जस्ट हैव अ स्मॉल पाउच लाइक मोबाइल पाउच हो या कॉइन पर्स के जैसे आप यूज़ कर सकते हो स्पेक्टिकल्स रखने के लिए। सो दिस लुक्स वेरी वेरी क्यूट और मेरी बेटी ने इसको ले लिया है और उसको ये बहुत ही पसंद हुआ है क्योंकि इसके अंदर उसका जो छोटे छोटे थिंग्स होते हैं वो अच्छे से फिट हो जाते हैं एंड इट इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड शी लाइक्स इट व्हेन शी इज़ गोइंग टू प्ले और फ्रेंड्स के घर जा रही हो, तो शी जस्ट कीप्स हर थिंग्स इन दैट एंड शी टेक्स इट विथ हर। तो ऐसे पाउचेस भी आप बना सकते हो, पोटलीस बना सकते हो एंड यस यू कैन सी हाउ इट लुक्स, द बैंड्स लुक्स रियली गुड और आप इसको स्टाइल के साथ पहन सकते हैं किसी भी आउटफिट के साथ। एंड यस लेट मी नो आपको कैसा लगा ये रिसाइकल DIY वीडियो, लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।